नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी पर। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास है एलिवेट और आज इसका हम कंप्लीट वॉक अराउंड करने वाले हैं। गाड़ी बाहर से अंदर से कैसी सब कुछ बताऊंगा। ये टॉप एंड वेरिएंट है तो सारे जो फीचर्स इसमें आ सकते हैं सारे हैं, प्लस कुछ एक्सेसरीज भी है वो भी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे चाबी से। तो चाबी अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी। इस तरफ देखेंगे तो होंडा का बैजिंग मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन मिलेगा जिससे आप इसकी फिजिकल की निकाल सकते हो। चालू करने के लिए आपको बस एक बार लॉक का बटन दबाना है और फिर आप होल्ड करके रखेंगे और आप देख सकते हो गाड़ी ऑन हो जाती है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे और गाड़ी बंद भी हो जाएगी। ठीक है, सो ये चाबी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, काफ़ी ज़्यादा छोटी सी ये चाबी है दोस्तों। इसको आप रखते हैं जेब में और गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो गाड़ी आपको दिखाई दे रही कुछ इस तरीके से। सामने की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा सा ग्रिल दिखाई देगा। नीचे की तरफ जो क्रोम स्ट्रिप है वो अलग से एक्सेसरीज में लगाया गया है, लेकिन ऊपर वाला जो क्रोम स्ट्रिप है आपको जो दिख रहा है वो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर आता है। इस तरफ देखेंगे आपको एलईडी डीआरएल दिखने मिलेंगे, एलईडी हेडलैम्प्स दिखने मिलेंगे। नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप ओवरऑल ग्रिल देखेंगे तो काफी बड़ा सा, काफी फ्लैट सा दिखाई देता है, जो कि हमने अमेज में भी देखा था। अगर साइड से देखें तो आपको दिखाई देगा कि भाई काफी ज्यादा आगे की तरफ बड़ा हुआ और थोड़ा सा फ्लैट सा है, स्लोपी नहीं मिलता है ये आपको। और नीचे की तरफ क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है 17 इंचेस के टायर्स मिलते हैं, जो कि अगर पूरा प्रोफाइल देखें तो 215/55R17 लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरफ देखेंगे तो एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है, जो कि एक एक्सेसरी के तौर पर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलते हैं बड़े बड़े ORVM दोस्तों। कंपेयर कर सकते हो आप हैरियर के साथ, क्योंकि ORVM के साइजेस वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े मिलते हैं। सो इस तरफ अगर आप देखेंगे ORVM में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन उस तरफ वाले कैमरे पे अगर हम जाएं, उस तरफ अगर ORVM पर हम जाएं तो आपको एक कैमरा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, जो कि लेन चेक कैमरा आपको मिल जाता है। तो गाड़ी के साथ कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, लेकिन लेन चेक कैमरा ज़रूर आ जाता है। अगर हम इस तरफ जाएं तो दरवाजों के ऊपर आपको बॉडी साइड मोल्डिंग मिल जाती है, जो कि एक्सेसरी का एक पार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको देखिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अगर आप हैंडल ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ हाथ यहाँ पर डालना है, चाबी आपके जेब में, ये ओपन हो जाता है, आप गाड़ी को खोल सकते हैं। और लॉक करते समय आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया जिसको आपको दबाना होगा, तो गाड़ी जो है लॉक हो जाएगी। पीछे की तरफ देखेंगे दरवाज़ा काफ़ी बड़े साइज़ का आपको मिल जाता है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो क्योंकि यहाँ से कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, नहीं ओपन होगा, बट यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ और फिर इसे खोल सकता हूँ। अंदर हम बाद में जाएंगे जब मैं आपको गाड़ी के स्पेस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले हम पीछे की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए एलईडी टेल लाइट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, जो कि एलईडी नहीं है, तो ये आपको नॉर्मल हेलोजन मिल जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे नीचे IVTEC की बैजिंग आपको मिल जाएगी। ये गाड़ी जो है CVT में आ रही है, ये टॉप एंड वेरियंट CVT है। यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा एक कैमरा जो लगा हुआ है रिवर्स पार्किंग के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर होंडा की बैजिंग। और इसके नीचे एक छोटा सा बटन मिलता है आपको जिससे कि आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट को, जो कि है लगभग 457 लीटर का। देखेंगे साइज वाइज काफी ज्यादा बड़ा ये बूट है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, काफी ज्यादा चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं। इल्यूमिनेशन का भी एक लाइट यहाँ पर आपको मिल जाता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसको अगर मैं थोड़ा सा उठाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आपको मिलता है एक फुल साइज का स्पेयर व्हील और साथ ही साथ आपको जैक मिल जाता है, टो करने के लिए सारी चीजें मिल जाती हैं, ये दिखेगा। और आप अगर सीट्स की तरफ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें बनी हुई है और दो सेक्शन में दिखती है, मतलब कि 60-40 स्प्लिट इस गाड़ी की सीट्स में, रियर सीट्स में आ जाता है। तो अगर आपको ज्यादा सामान कैरी करना है 457 लीटर से भी ज्यादा, तो फिर आप इसमें जो है इनको धका करके उधर और यहाँ पर सामान रख सकते हैं। प्लस आइसोफिक्स एंकरेज पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, जो रियर सीट्स में आपको मैं दिखा दूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लिप एरिया है इसका, बूट स्पेस का, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो सामान आराम से यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस तरफ देखेंगे थोड़े बहुत हुक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर रियर विंडशील्ड पर देखेंगे तो डिफॉगर आपको देखने मिल जाएगा, ये एक रियर वाइपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है वॉशर मिल जाता है और LED बैक लैम्प टेल लैम्प जो है आपको मिल जाएगा दूसरा वाला। ऊपर की तरफ आपको शार्कफिन एंटीना देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर मिल जाता है रूफ रेल, जो कि आपको टॉप एंड वेरियंट और सेकेंड टॉप वेरियंट्स में मेनली मिल जाएगा। और ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल है तो यहाँ पर एक छोटा सा ओनर ने लगाया हुआ है, डॉगी पेट्रोल बोलता हुआ। अगर मैं अब अंदर की तरफ जाऊं गाड़ी में, तो अब अंदर की तरफ चलते हैं। गाड़ी का डोर ओपन करता हूं और आप अभी देख सकते हैं यहां पर अगर दरवाजे पर देखें तो काफ़ी सारी बटनें आपको मिलेंगी, जैसे कि दरवाजे पर ही है तो यहां पर आपको चारों विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाता है, यहां पर आप बाकी सारे विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक का भी यहां पर स्विच मिल जाता है। और दोनों ORVM को अगर आपको एडजस्ट करना है यहां से आप कर सकते हैं। इस तरफ देखेंगे छोटा सा ट्विटर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई कोई ए पिलर के साथ कोई दूसरा चीज़ नहीं है, तो आपका व्यू जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता किसी भी तरीके से। इस तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पेट्रोल टैंक खोलने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। इस तरफ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और ऑन करने का स्विच मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर भी मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर आपको मिलेगा और इसके ऊपर ही आप देखेंगे कि जो लेन चेंज कैमरा है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके ऊपर सारे हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अंदर की तरफ चलूंगा, सीट का कंफर्ट आप देख सकते हैं, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देती है।
ड्यूअल टोन में आती है। पहली बात तो ये आपको ब्राउन और ब्लैक में मिल जाएगा। जो हेडरेस्ट हैं आप देख सकते हैं उनका साइज कितना बड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको मस्त लगेगा। तो आप जब इसके अंदर बैठेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा बकेट सीट वाला फील जो है आने वाला है। सो सामने की तरफ देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से जो है MID कंट्रोल दिखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको देखिए सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको इस तरफ आपको सारे RPM दिखाई देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई स्पीड्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है किस गियर पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और स्पीड वगैरह नीचे की तरफ आपको फ्यूल गेज जो है वो दिखाई देता है। अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे बटन लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ से क्रूज कंट्रोल का सारा सेटअप कर सकते हैं। इसके ऊपर कैमरा बेस्ड जो है एडास्ट 2.0 मिल जाता है, तो काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। लेन के असिस्ट वगैरह के बटन यहाँ पर आपको आराम से दिए गए हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल, होम का बटन, सोर्स का बटन, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। कॉल करना है, काटना है, या फिर वॉइस असिस्ट का इस्तेमाल करना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सामने होंडा की बैजिंग और काफ़ी प्यारा सा जो स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। यहाँ पर लेदर फिनिश आपको स्टीयरिंग के ऊपर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टीयरिंग का साइज़ अगर मैं कहूँ तो हाँ, आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा लग सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस तरफ देखेंगे तो 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। दोस्तों मैंने चलाकर देखा और बहुत ही फास्टली ये काम करता है, तो लैग जो है मुझे बाकी सभी गाड़ियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर लगा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ कि इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल बटन है वो डायरेक्टली फिजिकली दे दी गई है, जो कि हम लोग टाटा में देखा है कि भाई टच कर दिया उन्होंने पूरा, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। काफ़ी सारी बटने जो है प्रैक्टिकली फिजिकली दी हुई है, तो आप उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो घड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर AC वेंट्स हैं, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रिसर्कुलेशन हो गया, ऑटो AC करना है, मैक्सिमम कूल करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा, जो कि 18.5 और लो पर ज़्यादा है, और यहाँ से आप इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फैन स्पीड को। इस तरफ देखेंगे तो अगर आप पूरा देखें तो यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक पूरा लेदर जो फिनिश यहाँ पर मिल जाता है, प्लस वुड का ये टच भी आपको मिल जाता है। हालांकि ये प्लास्टिक है बट फिर भी बढ़िया है। अगर आप प्लास्टिक की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया सा आपको प्लास्टिक यहाँ पर मिलता है, जिसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक IRVM यहाँ पर देख सकते हैं, तो रात के समय में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, वो तकलीफ आपकी बचा लेता है। यहाँ पर आपको सनरूफ के बटन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सनरूफ दोस्तों मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है, लेकिन आपको निकलने के लिए दिया भी नहीं है वेंटिलेशन के लिए, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या आराम से बंद या चालू आप कर सकते हैं। अगर इस तरफ देखेंगे तो इसको मैं करूँ तो यहाँ पर आपको जो वैनिटी मिरर मिल जाता है, जिसके ऊपर लाइट भी लगा हुआ है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको ये मिलता है, पर इसके ऊपर लाइट आपको नहीं मिलता, उसकी जगह खाली यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद अगर इस तरफ देखेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा सा आपको जो है ये ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है सिगरेट लाइटर वाला। यहाँ पर आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, और ये जो है एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिस पर फ़ोन अभी चार्ज हो रहा है। इसके नीचे आपको यहाँ पर भी जगह सामान रखने की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये गियर नॉब मिल जाता है क्योंकि CVT है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, और इसको आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हैंड ब्रेक की बात करूँ तो ये काफ़ी नॉर्मल सा है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर यहाँ पर एक स्टोरेज है, जो कि आप देख सकते हैं हैंडरेस्ट के नीचे काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज है दोस्तों। 200 ml की बॉटल यहाँ पर रखी हुई है, और चश्मा वगैरह आप रख सकते हैं आराम से। यहाँ पर हैंडरेस्ट आपको मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल तो नहीं है बट यहीं पर रहता है। इसके अलावा सीट की अगर क्वालिटी देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है सीट्स। चलते हैं पीछे की सीट पर, उससे पहले मैं आपको जो है ये दिखा देता हूँ कि भाई सीट के एडजस्टमेंट कितने हैं। तो ड्राइवर सीट को आप 6 में एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है। अब अगर पीछे की सीट देखेंगे तो अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है फ्रंट सीट, जहाँ पर मैं पीछे बैठता हूँ, तो आप लेग रूम देख सकते हैं कि इतना लेग रूम मेरे पास अभी भी बच जाता है। पीछे की सीट में आपको जो है हैंडरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स, और जो इंक्लिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों सस्पेंशन की बात करूँ इस गाड़ी में, मैं रियर सीट पर बैठ कर आया हूँ, बॉडी रोल जो है वो बहुत ही कम महसूस होता है। गाड़ी में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेडरूम काफ़ी बढ़िया सा मुझे मिलता है, और पीछे का जो ये है बूट ट्रे वाला एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर भी मैं सामान रख सकता हूँ, काफ़ी सारा लेकर के जा सकता हूँ। और हेडरेस्ट आप देख सकते हैं, 2 हेडरेस्ट आपको इस गाड़ी के अंदर पीछे की रियर सीट पर दिए जाते हैं, और आइसोफिक्स एंकरेज पॉइंट्स आपको दोनों सीट पर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है आपको यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको रियर AC वेंट्स भी दिए जाते हैं, जिनकी क्वालिटी ठीक ठाक सी है। मुझे एक ही चीज़ का फर्क पड़ा कि धूप में गाड़ी खड़ी है तब AC जो है थोड़ा सा स्लोली जो है ठंडा करता है, बट हाँ 5 से 6 मिनट में आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिल जाते हैं सामने भी और पीछे की तरफ भी। पीछे के डोर पर देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये विंडो नीचे करने के लिए, और ये फिनिश काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है। यहाँ पर भी लेदर फिनिश है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटे छोटे डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर आएंगे। सो दोस्तों ये रही एलिवेट, मैंने सारे फीचर्स आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बताना और क्या मैं इंक्लूड कर सकता था, और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो। थैंक यू।